हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, एक हमारे पास ये डेस्कटॉप का बोर्ड आया हुआ है और इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। अब ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या रीजन है, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें आप देखेंगे 4 पिन का कनेक्टर हमने लगा रखा है, 24 पिन का, और ये 4 पिन का कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है। और ये है डायग्नोस्टिक कार्ड, इस पर जो भी कोडिंग आता है, कोडिंग से हमें पता चलता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसको हम पावर लगा के इसको ऑन करके देखते हैं। और यहाँ पे जो है आपका ये फ्रंट पैनल का है, और फ्रंट पैनल पे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक बार यहाँ पे जो लाइट ग्लो होगा इसको ऑन करने पे, जैसे कि अगर हम टच करते हैं इसको, तो आप देखिए एक बार यहाँ पे लाइट ग्लो हुआ और ग्लो होके ऑफ हो गया। दोबारा इसको टच करेंगे तो ये बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार बस लाइट ग्लो हुआ, दोबारा इसको अगर निकालते हैं, ये 4 पिन को निकाल के और 24 पिन को, और फिर दोबारा लगाते हैं, तो फिर दोबारा ये इसको शॉर्ट करने पे जो है लाइट ग्लो होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। ये इसमें दिक्कत है। अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो उसके लिए हमने एक बार पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो VRM सेक्शन का होता है। इस सेक्शन का ये CPU है और ये इसका सेक्शन है, और ये 4 पिन के ATX कनेक्टर है। तो हम करेंगे क्या कि इस 24 पिन को जो कनेक्टर है इसको निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया, और निकालने के बाद जो है फिर दोबारा जो है हम ट्वीजर से, चिमटी से, इसमें जो ग्रीन और ब्लैक वाला जो वायर है ना, ग्रीन ब्लैक, इसको आपस में शॉर्ट करेंगे। और ये जो 4 पिन का कनेक्टर है ये इसी में बोर्ड में लगा रहेगा, ये इसी में लगा रहेगा, और इसको हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ग्रीन और ब्लैक को। ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पे जो है हमारा ये फैन अगर घूमता है प्रॉपर, ये अगर प्रॉपर घूमता है तो इसका मतलब है कि VRM में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे शॉर्ट करने पे और ये 4 पिन का कनेक्टर इसमें लगे रहने के बाद अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और फैन नहीं घूमता या फैन घूम के ऑफ हो जाता है, तो प्रॉब्लम हमें VRM सेक्शन में ही देखना है, उसी सेक्शन में ही प्रॉब्लम है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं। देखिए एक बार फैन चल के ऑफ हो गया, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए फैन चल के एक बार और ऑफ हो गया। अगर हम इसको ये 4 पिन को निकाल देते हैं, ये 4 पिन को हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया 4 पिन का, और फिर इसको हटा के फिर इसको ऑन करते हैं, ये देखिए फैन प्रॉपर चल रहा है, पर इसको हम लगा रहे हैं और फिर ऑन कर रहे हैं तो फैन चल के ऑफ हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो किस सेक्शन के अंदर है, VRM में। और VRM में हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि VRM के ही डेस्कटॉप में सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है। तो VRM सेक्शन को अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट खराब है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो MOSFET का होता है। तो हम MOSFET चेक करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो 4 पिन के ATX कनेक्टर है, इस 4 पिन को हमें ग्राउंड से चेक करना, मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखना है, और कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखने के बाद जो है हम इसमें जो है 2 पिन जो है पॉजिटिव होता है, 2 पिन निगेटिव होता है, एक ग्राउंड पर रखेंगे, और ये चारों पिनों को हम ग्राउंड से चेक करेंगे क्या ये चारों पिन ग्राउंड से बीप कर रहा है। अगर VRM सेक्शन में फुल शॉर्टिंग होता है तो ये चारों पिन आपको ग्राउंड से बीप करेगा, ये 2 पिन बीप नहीं कर रहा है, कुछ सेकंड के लिए बीप कर रहा है फिर ऑफ हो जा रहा है, और ये दोनों पिन जो है ये परमानेंट बीप कर रहा है, ये बीप कर रहा है, ये बीप कर रहा है, तो ये दोनों ग्राउंड है, पर ये जो बीप नहीं कर रहा है ये पॉजिटिव वाला पिन। तो यहाँ से तो हमें शॉर्टिंग पता नहीं चल रहा क्योंकि ये फुल शॉर्टिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस सेक्शन के जो MOSFET है उसको हम चेक करेंगे कि MOSFET में क्या शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, शॉर्टकट हमने टेस्टिंग बताया था MOSFET का कि गेट और सोर्स को आपस में चेक करते हैं कि गेट और सोर्स आपस में बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिस MOSFET का गेट और सोर्स आपस में बीप करता है उस MOSFET को हमें बाहर निकाल के चेक करना होता है, ठीक है, चाहे वो 4 हो, 1 हो, 2 हो, अगर जितना भी बीप कर रहा हो सबको निकाल के चेक करेंगे। तो ये हम चेक कर रहे हैं तो ये बीप नहीं कर रहा है, इसको हम चेक कर रहे हैं गेट और सोर्स बीप नहीं कर रहा है, और यहाँ पे भी अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसमें भी बीप नहीं आ रहा, इन दोनों MOSFET को हम चेक कर रहे हैं तो बीप नहीं आ रहा, और इस MOSFET को भी चेक कर रहे हैं तो बीप नहीं आ रहा, यहाँ पे जो MOSFET है इसको भी हम चेक कर रहे हैं तो बीप नहीं आ रहा, उसके बाद से ये वाला जो MOSFET है इसको हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो MOSFET है ये शॉर्ट है। ये दोबारा देखिए यहाँ पे ये MOSFET शॉर्ट है, यहाँ ये गेट और सोर्स जो है यहाँ पे बीप आ रहा, और कोई भी MOSFET बीप नहीं कर रहा। ये दूसरा MOSFET अगर हम देखें तो ये भी बीप नहीं कर रहा, गेट और सोर्स ये भी बीप नहीं कर रहा,
ओनली ये वाला मॉस्फेट जो है ये गेट और सोर्स बिप कर रहा है, तो इस मॉस्फेट में हमें डाउट है। अब हम क्या करेंगे, इस मॉस्फेट को रिप्लेस करेंगे, इसको हटा के और दोबारा ऑन करके देखेंगे क्या बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, या हम इस मॉस्फेट को दूसरा बोर्ड से निकाल के हम चेंज करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं और निकालने के बाद जो है दोबारा लगा के आपको हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ से मॉस्फेट निकाल दिया, जो ये शॉर्टिंग दिखा रहा था यहाँ पे। तो पहले तो हम ट्रे को चेक कर लेते हैं जहाँ से हमने निकाला है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका गेट और सोर्स जो है आपस में बीप नहीं कर रहा, पहले बीप कर रहा था। अगर इसको निकालने के बाद भी, अगर निकालने के बाद भी इसका गेट और सोर्स आपस में बीप कर रहा है, तो इसका जो गेट है वो किससे कनेक्ट होता है, आईसी से। तो आईसी को हम शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे बीप नहीं कर रहा, जो हमने मॉस्फेट जो निकाला है वो आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका हम गेट और सोर्स अगर आपस में चेक करें तो ये बीप कर रहा है। मल्टीमीटर में आप देखेंगे यहाँ पे, ये बीप कर रहा है। ठीक है, तो ये मॉस्फेट क्या है, शॉर्ट है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और दूसरे मॉस्फेट में निकाल कर हम दूसरे बोर्ड में से निकाल के इस मॉस्फेट को हम वहां पे लगाएंगे और लगाने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये मॉस्फेट हमारा खराब होता है, तो अगर एक निकला भी होगा फिर भी आपका बोर्ड क्या होगा, चलेगा, पर जब ज्यादा लोड पड़ता है ना सिस्टम पे तो दिक्कत आ सकता है, तो उस कंडीशन में आपको लगाना होगा। टेम्परेरी अगर चेक करना हो तो हम उसको चेक कर सकते हैं ऑन करके। तो अब एक बार देखते हैं कि क्या बोर्ड हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से ऑन कर रहे हैं, तो देखिए ये बोर्ड हमारा ऑन हो गया। अब कोडिंग अभी नहीं आ रहा है, पर हमारा बोर्ड जो है प्रॉपर ऑन हो गया। अब डिस्प्ले नहीं आ रहा, उसके लिए हमें रैम लगाना पड़ेगा, फिर हमें कोर वोल्टेज जो भी है वो चेक करना पड़ेगा। तो हमारा बोर्ड प्रॉपर जो है वो ऑन हो गया। ऑन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मॉस्फेट हमारा शॉर्ट था, इसके वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है।